Welcome to Facutsoft. Our aim is to spread knowledge and make people more aware. हमने इमेज प्रोसेसिंग की डिफरेंट की स्टेजेस डिफाइन की थी, जिनमें पहली स्टेज थी प्रॉब्लम डोमेन डिफाइन करना, दूसरी स्टेज थी इमेज की को एक्वायर करना, और तीसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डोमेन है दैट इज इमेज एनहांसमेंट। अब इमेज एनहांसमेंट का क्या मतलब है? इमेज एनहांसमेंट का कॉमन मतलब ये है कि इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इमेज को यूजफुल बनाना सो दैट इट कैन बी इंटरप्रेटेड और इट कैन बी अंडरस्टूड बेसिकली, और इसको समझ के हम फिर डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकें। अब इमेज एनहांसमेंट में जब हम बात करते हैं तो हम कॉमनली ये तीन चीज़ें करना चाह रहे हैं एनहांसमेंट में। पहली जो चीज़ है वो है हाईलाइट करना इंटरेस्टिंग डिटेल्स इनसाइड एन इमेज। अब ये हाईलाइटिंग जो है ये दो किस्म की होगी। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या इमेज की बात करते हैं उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हाईलाइटिंग से मुराद क्या है कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को इतना इंप्रूव करना कि उनकी इनर डिटेल्स नजर आ सके, और जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को इतना शार्पन कर देना कि वो आपस में डिफरेंशिएटेबल हों। ये है इमेज की हाईलाइट करना, रिमूविंग नॉइस फ्रॉम इमेज। रिमूव नॉइस का मुराद क्या है कि जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है और उसके साथ कोई चीज़ ओवरलैप हो रही है तो उसको रिमूव कर देना। ब्लर इमेज है तो उसी की ब्लरिंग को रिमूव कर देना। और फाइनली मेकिंग इमेज मोर अपीलिंग टू ह्यूमन आई, यानी कि जो हम देखने वाला ऑब्जर्वर है उसको इमेज ज़्यादा बेहतर नजर आए। ये तीन किस्म की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट इमेज एनहांसमेंट। इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें, जैसे मैंने अभी ये कहा कि हम इनर डिटेल्स को अगर इमेज की देखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये ह्यूमन स्पाइन का एक इमेज है जिसके अंदर हमारे पास ये कैविटीज यहाँ पे नजर नहीं आ रही थी इस वाले केस में, तो इस एनहांसमेंट हमें क्या करके देगी कि हमें ये कैविटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी, और हम ये देखना चाह रहे हैं ये जो कैविटीज हैं लेट्स से ये एक डिजीज है जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ये एनहांसमेंट की एक पहली एग्जांपल है। मूविंग ऑन, दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, फिर हमारे पास एक एक्सरे का है जिसके अंदर ये जो अगर हम बॉडी देखें तो इसके इनर डिटेल्स हमें नजर नहीं आ रही इस इमेज में। ऑन द अदर एंड इस इमेज में हमारी सारी डिटेल्स जो है, ये हमारे पास रिप केजेस, ये हमारे पास सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये लोअर लिम वगैरह की, लोअर पार्ट की, अपर पार्ट की, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इमेज के, लेफ्ट इमेज के। तो एनहांसमेंट क्या कर रही है, इसको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। तीनों काम कर रही है, नॉइज़ भी रिमूव कर रही है, विजुअली अपीलिंग भी कर रही है, और इनर ऑब्जेक्ट्स की डिटेल को ज़्यादा बेहतर दिखा भी रही है। प्रिंटेड सर्कल बोर्ड्स, प्रिंटेड सर्कल बोर्ड्स में कैसे, जैसे ये अगर आप इमेज देखो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। अच्छा, यहाँ पे ये जो नॉइज़ है इसका भी मैं एक नाम देना चाहूँगा, इसको कहते हैं सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़। सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास इमेज है उस पर दाने दाने से पड़े होते हैं, ये जो दाने दाने से हैं इस वाले के। अच्छा, और ये दाने दाने से का नुकसान क्या हो रहा है कि हमें इनर डिटेल जो है इस इमेज की या इस सर्किट्स की इनकी नज़र नहीं आ रही। ऑन द अदर हैंड जब हम इसे क्लीन कर लेंगे, इमेज एनहांस कर लेंगे, तो ये हमें डिटेल काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही होंगी। मूविंग ऑन, करते कैसे हैं बेसिकली, एक और चलो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिए वो कैसे। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताया कि इमेज की एनहांस करने के लिए हम इसको बेसिकली ये एक एप्लीकेशन भी हमने बताने की कोशिश की है। लेट्स से बेसिकली वो क्या रहा है कि ये हमारे पास एक फेस है और ये इसकी लेफ्ट आई का छोटा सा हिस्सा हमने काट लिया ये वाला। अगेन अब हम कर कह रहे हैं इस इमेज को जब हम देखेंगे अगर हम ब्लर करना शुरू कर दें, ब्लर से मुराद क्या है कि इस वाले इमेज को इसमें यहाँ पे ना इसकी क्योंकि एज की वजह से, ओल्ड एज की वजह से झुरियाँ वगैरह भी नज़र आ रही हैं, इनको हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं इन दोनों इमेजेस में। तो ये जो ओवरऑल इमेज है यहाँ पे अगर ये एक ओल्ड फेस था तो ये यंग फेस की तरफ हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एनहांसमेंट में क्या हो सकता है कि हम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जिसको हम नॉइज़ कह सकते हैं, अल्लाह हमला के जो भी होगा उसको अपनी एज को थोड़ा सा छुपाने की कोशिश को करेगा या ओल्ड एज से यंग एज की तरफ मूव करना चाह रहा है, तो एनहांसमेंट इस नॉइज़ को भी रिमूव कर देती है कि अगर आप अनवांटेड इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं यानी कि झुरियाँ वगैरह अगर चेहरे पर हैं तो उन्हें रिमूव करने में भी हेल्प आउट कर देती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन मैंने बताई हैं, ऑल्दो एनहांसमेंट की बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं। अब हाउ टू डू दिस एनहांसमेंट, इनको हम दो लेवल्स पे देखेंगे, एक है स्पेशल डोमेन में और एक है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। स्पेशल डोमेन का क्या मतलब होता है कि जो आपके पास पिक्सल्स मौजूद हैं आप उनके ऊपर डायरेक्टली अपने फार्मूलाज अप्लाई करो, जिनमें से एक हमने पॉइंट प्रोसेसिंग के कुछ फार्मूलाज हमने देखे थे, बाकी अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना। फ्रीक्वेंसी डोमेन से मुराद क्या होता है कि इमेज को पहले आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म्स या वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स, यानी कि इससे मुराद क्या है कि बजाय इसके कि आप स्पेशियो टेम्पोरल डोमेन में हो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में या वेवलेट डोमेन में ले जाते हैं और फिर आप इमेज की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं।